guys, so today is my next video in my this channel, so thank you for supporting me till now. And today's my video content is based on face pack. Like mine also is acne prone skin and extreme oily skin, so you already knew. So I'm sharing with you one face pack which is affordable, cheap and very effective to acne prone skin. So let's get started. So आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक तो फेस पैक की. पहले मैं आपको बता दूँ फेस पैक हमारी स्किन पे काम क्या करते हैं. तो फेस पैक का क्या काम होता है, जब हम लोग फेस वॉश करते हैं और उसके बाद स्क्रबिंग करते हैं, तो स्क्रबिंग के बाद जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन रह जाते हैं, और तो अगर हम सीधा उसमें क्रीम भी लगाते हैं तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारे फेस पे नहीं होता है, फेस की स्किन पे नहीं होता है. तो जब वो ओपन होंगे पोर्स, जब वो विजिबल हो रहे होंगे, तो अगर हमने हमारे जैसे मेरे खुद के ओपन पोर्स स्किन है, विजिबल पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो हमारे जो पोर्स अंदर से हमें कुछ चाहिए होता है कि हम लोग अंदर से साफ़ करें अपने पोर्स को, नहीं ना कि ऊपर ऊपर से. बट ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड चीज़ें भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, जैसे चारकोल वो फेस पैक्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमारे पोर्स को, हमारी स्किन सेल्स को एक एक नेचुरल ऑयल होता है इनमें, बट हमें वो नेचुरल ऑयल कभी भी दूर नहीं करना चाहिए स्किन से, तभी हमारी स्किन सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन बन जाती है. तो हमारी स्किन का अपना एक पीएच लेवल होता है, अपना एक एसेंशियल ऑयल होता है जो हमारी स्किन खुद प्रोड्यूस करती है अपने आप से. तो हमें उनके साथ उन हमारे फेस के ऑयल के साथ कुछ भी पंगे नहीं लेने चाहिए. तो आप सबको मैं एक फेस पैक की बात बता दूं कि ये मेरा फेवरेट फेस पैक है. एंड जब से मेरी ऑयली स्किन है, मेरे एक्ने मेरे जब मैं प्लस टू क्लास में थी और प्लस वन में थी, तब से मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, और तब से मैं ये पैक यूज़ कर रही हूँ. और मैं किसी भी पैक पे नहीं जाती, जैसे इतने पैक्स आते हैं अलग अलग कंपनीज के, इवन कि जो मैं पैक यूज़ करती हूँ इसके मॉडर्न्स मतलब ब्रांड भी खुद अपने निकालने लगे हैं. तो जिस फेस पैक की मैं बात कर रही हूँ वो है ये. तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ये पाउडर क्या है, तो ये है मुल्तानी मिट्टी. एक्चुअली ये मुल्तानी मिट्टी एक रैंडमली मैंने लोकली ली थी, बट उसका डब्बा मैंने फेंक के ये इस डब्बे में निकाल ली. एंड मुल्तानी मिट्टी आप सभी को पता है कि ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक तो ये ऑयल को पूरा उठा पूरा क्लियर कर देती है, आपकी स्किन को पूरा रेडिएंट बना देती है. और उसके बाद अगर आप हफ्ते में एक या दो बार यूज़ करते हो मुल्तानी मिट्टी, तो आपको किसी और भी फेस पैक की ज़रूरत नहीं है लगाने की. और अगर आप टीनेजर से बढ़ के लाइक आफ्टर अबव 25 एज के भी हो, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपके फेशियल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फेशियल्स में भी यही स्टेप होते हैं, फेस वॉश, स्क्रबिंग, ऑयलिंग और ये फेस पैक. सो इसके साथ मैं कैसे लगाती हूँ, मैं इसे यूज़ करती हूँ जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में हमें पता है कि हमारा इतना ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा होता नहाने का और फेस वॉश करने का, तो हम लोग कुछ कहीं ना कहीं लेज़ी बन जाते हैं, हमें ये सब पता है. तो मैं क्या करती हूँ, इस मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा सा लेती हूँ बाउल में या किसी भी प्लेट में, तो उसके साथ मैं मिक्स करती हूँ ये रोज़ वाटर. ये कोई भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है. तो ये रोज़ वाटर पतंजलि का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैं आप टोनर की जगह भी इसे यूज़ कर सकते हो. मैं आपको वीडियो का लिंक इधर इधर कहीं कहीं डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो. तो आप लोग अगर आप ये कुछ ज़्यादा कुछ ये अफोर्डेबल है, ये कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है. इसकी जो है 100 ml की क्वांटिटी है, सॉरी 120 ml की क्वांटिटी है, और जो आपको 28 rupees में मिलती है, काफ़ी अफोर्डेबल है. आपको आप इन दोनों को मिक्स करके फेस पे रख सकते हो लाइक स्क्रबिंग के बाद. मैं स्क्रबिंग के बाद आप यूज़ करते हो इसे लाइक यू फेस पे आप
15 to 20 मिनट्स के लिए रख सकते हो। उसके बाद जब आपको रब नहीं करना है, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी सूख जाती है, जैसे कोई पत्थर नहीं होता वैसे सूख जाते हैं फेस पे, तो आपको ऐसे अग्रेसिवली रब नहीं करना है। आपको पहले वाटर से ऐसे ही हाथ से ही हल्का हल्का रब करके पहले उसको लिक्विड में बनाना है, तो उसके बाद वाटर से फिर निकालना है। अगर आप रब करोगे अपनी स्किन पे कुछ भी, तो वो आपको एक्ने और ज़्यादा देगी। तो भी मैंने स्क्रबिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपको स्क्रब नहीं यूज़ करना है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या फिर मैंने एक वीडियो भी पहले बना चुकी कि स्क्रब के रिप्लेसमेंट में आपको क्या यूज़ करना चाहिए। मैं खुद वो यूज़ करती हूँ, तो मेरा जो भी मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, तो आप लोग बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा फेस पैक कि आप लोगों को फेस पैक कौन सा यूज़ करना चाहिए, और आपको ये पिंपल्स अगर आप हो रहे होते हैं तो आप बेफिक्र होके तब भी ये यूज़ कर सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा एक्नेज हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है मुल्तानी मिट्टी, ये जो पिंपल्स होते हैं, चाहे वो वाइट वाले पस वाले पिंपल हैं चाहे वो रेड वाले हैं, तो ये क्या करती है, ये उनको सुखा देती है। सुखाने में ये बहुत हेल्प करती है। तो सूखने के बाद अगर आपका पिंपल कोई एक्ने एक्टिव पिंपल है, तो अगर आपका वो 5 दिन में जा रहा है, बट अगर आप रोज़ या तो रोज़ उसी सिर्फ उसी स्पॉट पे मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाओ, या फिर अगर आप पूरे फेस पे लगा रहे हो तो 3 दिन में एक बार, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो लगा के आपको आपको डिफरेंस फील होगा। एक तो ये पिंपल को पहले तो सिखा दो, तो पिंपल फिर अपने आप से चला जाता है, अपने आप से वो ख़त्म हो जाए। आपको कोई भी और ट्रीटमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और छत्ती चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये दो सिंपल्स या इन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हो फेस पे स्क्रबिंग के बाद। तो आई होप यू इन्जॉयड माई वीडियो, एंड आप लोग इसे यूज़ कर सको। आपने इसे एक मंथ यूज़ करके देखो, आपको डिफरेंस ज़रूर रिजल्ट आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड आप मुझे फीडबैक भी बाद में बता सकते हो कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड गुड बाय, कीप सेफ।